अंत्योदय का सपना हो रहा साकार। घर घर पहुंच रही सरकार। पूरा होगा विकसित राष्ट्र का मनोहर सपना। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये यात्रा है देश के सबसे बड़े सपने की। देशवासियों में राष्ट्र को विकसित बनाने का जज्बा भरने की, देश को विकसित राष्ट्र बनाने की। ये यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं, बल्कि एक जन जागरण का अभियान है। देश को साल 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का अभियान। इस यात्रा के जरिए हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। देश विकसित राष्ट्र बने, ये हर देशवासी का सपना है। पीएम मोदी का सपना है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सपना है, प्रदेश के हर युवा, किसान, मजदूर, बच्चे, बुजुर्ग और महिला का सपना है। हर वर्ग के लोग इस सपने को साकार होते हुए देखना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और इस यात्रा के जरिए अंत्योदय का सपना भी साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और ऐसे लोग सरकार को अपने द्वार पर पाकर काफी खुश हैं। जहां भी यात्रा पहुंच रही है, वहीं बड़े हर्षोल्लास के साथ क्षेत्र के लोग इस यात्रा का स्वागत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने इस यात्रा को लेकर कहा कि प्रदेश में सफलता पूर्वक इसका संचालन किया जा रहा है। हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है, कई तो हाथोहाथ हो रहे हैं और जो काम हाथोहाथ नहीं होते, उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुँचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। जिले में कार्यक्रम चल रहा है। मैंने कल भी एक स्टेटमेंट दी थी कि लगभग 60% हमारे कार्यक्रम हो चुके हैं, 40% अभी बाकी हैं, 25 जनवरी तक ये चलेंगे। अभी ग्रामीण के अंदर सब कार्यक्रम पूरे कर रहे हैं और जैसे ही ग्रामीण कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वहाँ के जो रथ हैं उनको शहरी क्षेत्रों में भेज करके शहर के भी पूरे कराएंगे और बहुत आसानी से हम 25 जनवरी के सारे कार्यक्रम कर लेंगे। बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स है। ऑन एवरेज 500 से लेके 800 तक अलग अलग जिलों में लोग आ रहे हैं और जहाँ 800 का मतलब है कहीं वहाँ 1200-1500 भी होते तो कहीं 200-300 रह जाते हैं। एवरेज का जो है वो 800-900 तक भी पहुँच गया। अच्छे कार्यक्रम, बल्कि हरियाणा जो है इसमें सारे देश में, क्योंकि डाटा सारे देश का मिलता है, हरियाणा एट द टॉप ऑफ द ऑल द स्टेट्स। विकसित भारत की बात है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ एक तो वहाँ की उपलब्धियाँ बताते हैं और अपने जन सवाल कार्यक्रम करके लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो टोटल 60% जो आप कह रहे हैं हो गया है, कितने इसमें कार्यक्रम में लोगों की शिकायतें या लोगों की जो डिमांड जो आई है, जो हमारे पोर्टल भी सब 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 जगह आती है, कहीं 100, कहीं 200, कहीं 50, कोई ऐसी जगह अटेंड कर सकते हैं लोगों जो, अगर कोई मैंने बताया ना कि ऑन एवरेज अब लगाएंगे, अभी तो सर हो गए करीब 800 के हिसाब से जोड़ा था, करीब 25 लाख से ऊपर लोगों ने अटेंड कर लिया, प्लस अटेंड कर लिया 25 लाख प्लस। ये तो पूरे देश में चल रहे, आपसे जो व्यक्तिगत जनसंवाद कार्यक्रम वो कितने, आप व्यक्तिगत जनसंवाद और ये हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसको मिला दिया है। अब पहले मैं अलग कर रहा था उसको, लेकिन वो भी एक गाँव का ही कार्यक्रम होता था और उसमें शायद स्पीड में और समय लग सकता था हमें कराते। केंद्र की ओर से आ रहा है, सब जिलों में रथ भी आ गए, सब हो गया, उसमें हमारे MLAs हैं, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं, जहाँ ये नहीं जा सकते हैं तो और जो स्थानीय नेता जितने हैं वो सब जाते हैं, इसलिए सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। 25 जनवरी तक ये काम, जनसंवाद और ये जो संकल्प यात्रा, ये सारा कम्प्लीट हो जाएगा। उसमें जो भी शिकायतें या डिमांड जो पोर्टल पर डालते हैं, कल डेट तक कोई 56,000 ऐसी डिमांड्स और वो जो हमारी शिकायतें हैं वो डल चुकी हैं और उसके अंदर रेगुलर, हाँ रेगुलर काम चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेने व उनके लाभ के बारे में जानने के लिए पहले कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। प्रिथला विधानसभा के खंडावली गांव पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा का ग्रामीणों की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए गए कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ उठाया। इस मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का नेतृत्व करने पहुंचे प्रिथला से पूर्व विधायक एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता टेकचंद शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज पूरा प्रशासन गांव चल कर जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हर डिपार्टमेंट के यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ से लेकर बिजली बोर्ड से लेकर के आपके आयुष्मान भारत के, हरियाणा पशुपालन विभाग के, आईडी करेक्शन के, और आपके यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो ना, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, और ये हमारे यहाँ पे सारे कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड हैं, मत्स्य विभाग भी है, तो सब डिपार्टमेंटों के साथ ही हैं। जो जो प्रॉब्लमें आती हैं उनको, कुछ को हैंड टू हैंड ठीक किया जाता है, कुछ को नोट करके उनको हफ्ते 10 दिन का टाइम दे करके आगे के लिए करेक्शन के लिए बात की जाती है। क्या लगता है महिलाओं को, स्थानीय लोगों को फायदा इसका मिल रहा है? इसका बहुत बड़ा फायदा है कि जहाँ ये धक्का खाते थे हॉस्पिटलों में और कहीं इधर उधर जा कर के, जब घर बैठे इनको ये सब चीजें होती हैं तो इनके दिमाग में भी ये रहता है कि वे घर बैठे बिठाए इनकी प्रॉब्लमें दूर हो रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है उसका एक अलग ही सिस्टम नजर आ रहा है। लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल रहा है और लोग उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आपने भी कहीं ना कहीं जो है कई स्टॉल्स पर जाकर के आपने भी कुछ ऐसा निर्देश दिए हैं? मैंने सभी स्टॉलों पर गया था मैं, और सभी स्टॉलों पर जहाँ जहाँ जो कमियाँ हैं, जैसे एक फैमिली आईडी के अंदर कोई हमारे इसमें एक सिस्टम में पता लगा है कि किसी का बच्चा अगर इनकम टैक्स पे ही था और 10 साल पहले का अगर उनका फैमिली पेंशन बनी, आधार कार्ड बना हुआ है, परिवार पहचान पत्र, तो उसको आज उसकी इनकम नहीं है तो उसको करेक्शन कैसे की जाएगी, तो वो हमने नोट कर लिया है और डिपार्टमेंट के सीनियर हेड से बात करके उसका भी करेक्शन कराएंगे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, और सुबह 10 बजे से लगा हुआ है कैंप, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंटों के अधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, और सुबह से ही आप ये क्राउड देख रहे हो गाँव के लोगों का, मतलब यहाँ पे इतना क्राउड है, लोगों का काम हो रहे हैं, और ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है, घर घर पहुंच के लोगों के काम कर रही है, जैसे फैमिली आईडी हो गई या राशन कार्ड हो गया, और भी डिपार्टमेंटों के सभी अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं और समस्याएं सुनी जा रही हैं और समाधान भी किया जा रहा है। यानी कि ये माने कि आपके गांव के लोगों को इस योजना का लाभ, इस कैंप का लाभ जो है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है? बहुत ज्यादा इस योजना का गाँव के लोगों को लाभ मिल रहा है, और आपके सामने ही है ये क्राउड, तो लोगों के काम हो रहे हैं, तो इस योजना का बहुत ही ज्यादा गांव में लाभ मिल रहा है। वही कैंप के माध्यम से योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाओं ने बताया कि लगातार सरकार के इन योजनाओं का लाभ उनके गांव में मिल रहा है, जो कि उनके लिए बेहद अच्छा है। महिलाओं ने बताया कि वो अपने काम करने के लिए घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, और अधिकारियों के दफ्तरों तक जाने की बात तो दूर थी, परंतु आज खुद अधिकारी उनके गांव में आए हैं और उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। दवा गोली ना मैं जब देता कोई ना सकती हूँ। अच्छा, तो आपने दवाई गोली ली है कुछ? नहीं। किस चीज की दवाई गोली मिली है? ये मिली है, नार्मली दर्द रहता है। अच्छा, मैं जब कोई भी काम कराना हो महिलाओं को, वो घर से बाहर तो निकल नहीं पाती ना, है। ना, जैसे मैं इस कैंप में आकर काम करा रही है अपना? ना मैं ना। इस कैंप में महिलाएं नहीं आ रही है? महिला है तो सही। हाँ जी, फायदा तो बहुत है, क्योंकि जो लेडीज है वो बाहर जाती नहीं है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा अगर गाँव में ऐसे कैंप लग जाए तो वो अपना काम करवा लेती है। जैसे फैमिली आईडी है, अपडेट नहीं है कईयों की, बहुत सारे
बहुत सारी जो स्कीम है वो रुकी हुई है इन फैमिली आईडी के अपडेट की वजह से, पीएमएमवीवाई की वो सिर्फ इसी वजह से रुकी है। तो इधर आके तो काफी बहुत सारा फायदा तो है ही भाई, जो गांव में लग जाए। हाँ जी, फायदा तो है, यानी कि जो चक्कर काटने पड़ते थे चक्कर काटने नहीं। जी नहीं, अगर ऐसा कैंप लग जाए महीने में, दो महीने में, छह महीने में, तो कोई चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि अच्छा, मतलब अच्छी पहल सरकार की तरफ से की। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी पहल है। हाँ जी, सब फायदा मिल रहा है, टीकाकरण हो रहा है, और बाल विभाग से आए हुए हैं, और ये पशुपालन से आए हुए हैं, आंगनवाड़ी है, फैमिली आईडी है, बैंक डिपार्टमेंट है, ये फायदा मिल रहा है इन विभागों से। हाँ जी, कितना फायदा मिल रहा है? अब देखो, जब आते तो फायदा तो मिलता ही है। कहाँ तो ऑफिसों में चक्कर काटने पड़ते थे, आज आपके यहीं आप हमारे आज हमारे गांव में आए हुए लोग इसका फायदा ले रहे हैं। जी हाँ, यानी कि अच्छा, अच्छी पहल है ये विकसित भारत की। हाँ जी, अच्छा फायदा मिला है। क्या क्या फायदा मिल रहा, क्या क्या, कौन कौन सी जो है वो योजनाएं पहुँच रही है आप? योजना जी, दवाई फ्री मिली है जी, सिलेंडर का फॉर्म भरा जा रहा है, समूह सहायता से फायदा हो रहा है। हाँ जी, पैसे जैसे लेते हैं समूह सहायता से, वो हम अपना जैसे हारी बीमारी कुछ अपना काम कुछ करना चाहते हैं तो वो पैसा 1% का है जी। बाहर से पैसा लेते हैं 5% का, 4% का, वो ज्यादा ब्याज जाता है। हमें बहुत फायदा हुआ है जी। फायदा हो रहा है जी। फैमिली आईडी कार्ड में बहुत दिक्कत थी क्या, वो भी वो भी अच्छा है, ठीक हो रहा है। जो आधार कार्ड में, फैमिली आईडी में, राशन कार्ड में जो गलत है जी, वो अच्छा ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है जी सर। इसका मतलब महिलाओं को फायदा मिल रहा है। हाँ जी, फायदा मिल रहा है जी महिलाओं। इसमें हमारा विभाग मत्स्य पालन विभाग है, जो कि अपनी विभाग की योजनाओं के बारे में जितने भी लाभार्थी आ रहे हैं उनको अवगत कराएगा, और जो लाभार्थी आ रहे हैं और इस डिपार्टमेंट से अपनी हमारी डिपार्टमेंट की जो योजना है उसका लाभ उठाए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस स्कीम के तहत जिन किसान भाइयों ने 7 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है मछली पालन के लिए, उसमें सरकार द्वारा एससी एसटी और वुमेन के लिए 60% व जनरल है या कोई भी और कैटेगरी है तो उसके लिए 40% अनुदान देने की व्यवस्था की जाती है। भारत संकल्प यात्रा में कृषि विभाग द्वारा किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में जानकारी दी गई, किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है, हम किसानों ने इसका लाभ उठाया। खेती हम बाकायदा, हमारे हरियाणा सरकार ने हमें सुविधा दी हुई है सॉइल हेल्थ कार्ड की, वाके द्वारा हम अपनी मिट्टी चेक करवाएं, जो भी उर्वरक की कमी हो, नाइट्रोजन, सल्फर, पर वो सारी डिटेल हमें बड़े एक क्लियरली 15-20 दिन में हमारे पास आ जाए। वाके द्वारा हमें बहुत मदद मिल रही है और अच्छी पैदावार ले रहे हैं वाके द्वारा। मैं तो कहूँ भाई, हर किसान हर बार करानी चाहिए, या तो मदद ही मिले, पैदा भी अच्छी हो और खेत में जो कमी हो सारी क्लियर रह जाए। हर साल अपना पंजीकरण कराता हूँ, और पंजीकरण का जो है ठीक पेमेंट आती है, ठीक टाइम पर पेमेंट मिलती है, और इसके साथ साथ हमें जो सरकारी स्कीम की सब्सिडियाँ हैं वो भी मिलती हैं, पेमेंट बिल्कुल ठीक टाइम पर हमारी आती है। पहले हम 8 दिन के पीछे घूमे, अब हमारी पेमेंट अकाउंट में आ जाती है, और जब हम पैसे की जरूरत होती है अपने यूज कर लेते हैं। स्प्रे मशीन अब मैंने पंजीकरण कराया था अभी, उसमें 3,000 रुपये छूट के आए हैं, और 8,500 रुपये टोटल अमाउंट है उसका, वो हमें 5,500 मिल गया। और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, और ये रासायनिक जो वैसे खाते जो जहर बन रहे इन्हें कुछ नहीं घेरता हूँ, और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये अपना देसी खाद, गोबर का खाद घेरें और अपनी खेती बढ़ाएं तो बढ़िया है। और वो ये कैंसर जो बीमारी है जो इनसे ही बन रही है, टीबी जो है इनसे बन रही है, और अपनी देसी खाद घेरो और अपनी फसल उगाओ। हरियाणा में मोदी मनोहर की गारंटी वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, और इस यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। यात्रा को लेकर स्थानीय लोगों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा लोगों में भर रहा है, और इसी के साथ जो अंतिम पंक्ति में खड़े लोग हैं उन तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यही प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचे, और इसलिए ये गारंटी वाली गाड़ी प्रदेश के कोने कोने तक भेजी जा रही है।